हैज अ साइंटिफिक मेथड अनेबल अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में से आया हुआ है। हाउ हैज अ साइंटिफिक मेथड अनेबल अस टू गेट ओवर ओल्ड फियर्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वाज डाइजी'स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज द स्कूल बॉय। ये चेक करें व्हाट वाज डाइजी'स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। किसी भी घर में लोया लैलेंटीन डब्बा अगर बिक रहा हो तो समझ लो उसके घर में पैसे नहीं है, और जिसके घर में पैसे हैं उसके घर में लोया लैलेंटीन डब्बा इतना नहीं बिक रहा होता जितना कोई पागल किसे पीछे, 80 पागल किसी होर के पीछे, सारे पागल आगे पीछे इकट्ठे हुए ने, किसी को मिलता कुछ भी नहीं है, बस एवं टाइम वेस्ट है। चिप्स तो करना पड़ना है, खुद ये बेचारा फोत हो गया, सानू फोत करके छड़ेगा। पेट्रोल डीजल घी चावल आटा दालें रोटी अंडे प्याज टमाटर लहसुन अदरक बच्चों के पैंपर्स। व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स एंड व्हाट इज द एंटीसेप्टिक मेथड। व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स व्हाट इज एंटीसेप्टिक मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। बस पास होने का ये नुस्खा है कि आपको मैं बता रहा हूँ पास होने के लिए आपने क्या मुशक्कत करनी है कि आपने पूरा का पूरा पेपर लाजमी छाप के आना है, भावे अपने कोलो छाप के आओ लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है आपने। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें ना ऐसे की, ऐसे में बच्चों आपके पास 4 ऐसे आएंगे जिसमें से आपने जस्ट 1 ही अटेम्प्ट करना है। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपके पास ऐसे कौन सा आया, एंबिशन आया, हॉरर्स ऑफ वॉर आया, व्हाई स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया नेगेटिव एस्पेक्ट। अब देखें हमारे गेस्ट पेपर में से क्या क्या आया हुआ है। हाय 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 माय एम इन लाइफ, आपको हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे गेस्ट पेपर में से मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अल्लाह के हुक्म से ऐसे वही आएगा और अल्लाह के हुक्म से ऐसे आया भी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर फैसलाबाद मुल्तान गुजरांवाली डेरे गाजीगंज सरगोधा रावलपिंडी बहावलपुर आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए। टोटल बच्चों आपके पास जो मार्क्स है ना 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें से 33% वाला पास है इस साल, अगले साल 40% वाला पास होगा। 100 मार्क्स में से बच्चों आपके पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के बच्चों आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा। अब 20 मार्क्स में से ना बच्चों 10 मार्क्स के आपके पास सिनोनिम्स आएंगे। अब सिनोनिम्स कहां कहां से आएंगे, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज पार्ट 1, यहां से 3 एमसीक्यूज आएंगे, हीरोज में से आपके पास 3 एमसीक्यूज आएंगे, मिस्टर चिप्स में से 4 एमसीक्यूज आएंगे। डी वाला पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बच्चों अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे ना तो आप 5 में से 5 मार्क्स गेन कर सकते। जिन जिनको मैं टिक लगाऊ ना उसमें से आप अच्छे तरीके से उसकी प्रेपरेशन करनी है। सेंटेंसेस को आप अगर अच्छे तरीके से कर लोगे तो 5 नंबर बच्चों यहां से आपके टोटल 10 मार्क्स आ सकते हैं। सिनोनिम्स तो यार मुश्किल है कि आप अटेम्प्ट कर सकोगे, लेकिन अगर आप प्रेपोजिशन की सेंटेंसेस की बात करें ना तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से हासिल कर सकते हो। अगर हम बच्चों सब्जेक्टिव की बात करें ना तो शॉर्ट स्टोरीज आपके पास टोटल 10 है, 10 में से बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से बच्चों आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा किस किस शॉर्ट स्टोरी को आपने अच्छे तरीके से करना है। हीरोज बच्चों आपके पास जस्ट 5 हीरो हैं जिसमें से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से बच्चों आपने जस्ट 6 अटेम्प्ट करने हैं। मिस्टर चिप्स के टोटल बच्चों आपके पास 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अगर हम इन तीनों को देखें ना तो बच्चों इन तीनों से आपके पास 40 मार्क्स के बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी ने जस्ट पासिंग मार्क्स ही करने हैं ना तो यार वो शॉर्ट स्टोरीज हीरोज और मिस्टर चिप्स को अच्छे तरीके से कर ले। जिन जिन चैप्टर को मैं हाईलाइट करूं वो लाजमी आपने करने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें ना ऐसे की, ऐसे में बच्चों आपके पास 4 ऐसे आएंगे जिसमें से आपने जस्ट 1 ही अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं टोटल आपको 6 ऐसे बताऊंगा, इंशाल्लाह अल्लाह को कम से 2 ऐसे उसमें से 100% आएंगे, और ऐसे जो है वो आपने हर सूरत अटेम्प्ट करके आना है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा अगर उनके मतलब का ऐसे नहीं आता तो वो छोड़ के आ जाते हैं। यार आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, ओए कुछ तो छाप के आओ ना अपनी तरफ से, अपनी तरफ से इतनी भी बोंगियां नहीं माननी कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए। अगर आप अपनी तरफ से भी करके आओगे तो चलो यार आप 5 नंबर का तो अटेम्प्ट एग्जामिनर दे ही देगा ना आपको। अगर हम ईडियम्स की बात करें तो बच्चों 8 ईडियम्स आएंगे जिसमें से आपने जस्ट 5 का छापा लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 7 है पैराग्राफ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये तो आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। इसके तो आप मेरी तरफ से बेशक 100 पैराग्राफ कर लें या 200 पैराग्राफ कर लें या 1 पैराग्राफ कर लें, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड है कि आपके पास आता भी है या नहीं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जितना भी आपके पास पेपर है ना कि यार आपने ये क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसर। ऐसे भी आपने हर सूरत अटेम्प्ट करके आना है, इडियम्स भी आपने हर सूरत अटेम्प्ट करके आने हैं, और पैराग्राफ अगर हो सके तो इधर उधर से देख लीजिएगा। बस पास होने का ये नुस्खा है कि आपको मैं बता रहा हूं पास होने के लिए आपने क्या मुशक्कत करनी है कि आपने पूरा का पूरा पेपर लाजमी छाप के आना है, भावे अपने कोलो छाप के आओ लेकिन पेपर पूरा
अटेम्प्ट करके आना है आपने। अगर हम शॉर्ट स्टोरीज की बात करें ना, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बच्चों आपके पास टोटल शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है। 5 बच्चों चूंगे के आपके पास क्या हैं, हीरोज हैं, ठीक है। अब देखो शॉर्ट स्टोरीज में आपने अगर अटेम्प्ट करने हैं ना, तो मेरी प्यारी शहजादियों, मेरे प्यारे शहजादों, जिन जिन को मैंने स्टार बनाया हुआ ना, इन इन में से शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने, 100% आना है। द डाइंग सन, ये तो आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आपने यहाँ से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आप इसके सिनोनिम्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन करते जाए, हार्डली, इमेंस, रेयर। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं कहता हूं कि आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि आपने इसके किसी भी सूरत में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने। फर्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ इज इट दैट अ सिल्डम स्टार फाइंड्स एनदर स्टार नियर इट, व्हाट हैपेंड व्हेन द वंडरिंग स्टार कम नियरर एंड नियरर, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार, व्हाट इज द यूनिवर्स ऑफ आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सो फ्राइटेंडिंग, गिव एज मेनी रीजंस एज यू कैन। अब देखिए मैंने आपको कितने क्वेश्चंस बताया, 1, 2, 3, 4, 5 के। एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चंस को ना उसकी नरेशन चेंज कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देखिए उसने क्या पूछा हुआ क्वेश्चन से, How is it that a star seldom finds another star near it? अब देखिए questions की वो nature कैसे change करेगा? Why do the stars not come close to each other? ठीक है, उस question को आपको nature ही उसकी change कर देगा। Next देखें, What happened when the wandering star come nearer and nearer? What was the result when a star come near to the sun? What are planets and how did they come into existence? What are planets and how did they come into existence? अब इसी तरह के देखें किस तरह का वो क्वेश्चंस बना सकता है। हाउ डिड और अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ डिड प्लैनेट्स कम इनटू बीइंग, डिस्क्राइब द रेयर इवेंट दैट टुक प्लेस टू 2000 मिलियन इयर्स अगो, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ जेम्स जेंट अबाउट द क्रिएशंस ऑफ आवर प्लैनेटरी सिस्टम। अब देखें बच्चे ने तो जस्ट ये याद किया है ना, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो होता क्या है, बहुत से बच्चों की ना सपनी इस वजह से आती है कि जो एग्जामिनर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है ना, उसकी नेचर चेंज कर देता है। सवाल बच्चों आपके पास वही होता है, सवाल का आंसर भी आपको पता होता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन की नेचर ही चेंज कर देता है, बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, बच्चा भी इतना शहजादा होता है, वो कहता है लो जी मेरी तो सपली अब किस्मत में पकी है। तो ये जो क्वेश्चन की नेचर है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाना है। इन्हों नेम्स भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, तो जिसने करना कर ले, जिसने इस पे मिट्टी डालनी है मिट्टी डाल दे। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ हैज अ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज, हाउ हैज अ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हाउ हैज अ साइंटिफिक मेथड अनएबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स, व्हाट पार्ट्स गिव एस्ट्रोलॉजी प्लेज इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, गिव एग्जांपल्स। अब इसके जो कंसेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चन है मैं वो आपको दिखाता हूं। हाउ हैज अ साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये देखें। अब व्हाट आर द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिफिक टू डू विद द एटीट्यूड ऑफ पीपल, What are the effects of scientific method on our attitude? How has a scientific method changed man's behavior? Discuss how science has made man open-minded. Very very important short questions है। अगर किसी ने lesson number 2 ये गलती से लिखा हुआ, lesson number 1 जिसने अगर lesson number 2 के short questions करने हैं तो कर ले। Unit number 3 है, why boys fail in college? लड़के जो हैं यहाँ पे, वैसे why boys and girls fail in college आना चाहिए था lesson का जो title है। WhatsApp की जान तुसी नहीं छड़ते, मोबाइल जान तुसी नहीं छड़ दे, फेसबुक दी जान तुसी नहीं छड़ दे, ट्विटर दी जान तुसी नहीं छड़ दे, टिकटॉक की हर एक की गिट्टे गोडो में टिकटॉक घुसा हुआ है, उसकी जान तुम नहीं छोड़ते, स्कूल से फुटा वो लगाते हैं, पढ़ाई से जान वो चुराते हैं, एकेडमीज में कॉलेजेस में रंगबाजियां वो लगाते हैं। जो जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा तो वो ये टाइटल उस पे अप्लाई हो जाएगा, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मिस्टेकन एंबिशियस ऑन द पार्ट, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर, व्हाट प्लेस वुड यू टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके मैं आपको बच्चों कंसेप्चुअल टाइप्स के क्वेश्चन दिखाऊं ना, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। हाउ डज मिस्टेकन एंबिशियस वाला चेंज हो सकता है, व्हाट इज अ मिस्टेकन एंबिशियस फॉर अ बॉय एंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज मेड बाय मिस्टेकन एंबिशियस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू फेलियर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स ना कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करके वो फेल हो जाते हैं, तो ये उनका कसूर नहीं है। अब जो स्टूडेंट कोशिश ही नहीं करते और फेल हो जाते हैं, तो फिर उनका कसूर है। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉयज पास इन कॉलेज हो जाएं,
टिकटॉक से पीछे हो जाएं, टिकटॉक से जान चुराएं, पाकिस्तान को महफूज बनाएं। नहीं तो अगर तुम लोगों ने बंदे के पुत्र तरह नहीं ना बनना तो फिर सपनियां आपकी आ जानी है। बाद में ना कहना कि सानू किसी ने दसिया नहीं। व्हाट इज द जॉब और ड्यूटी ऑफ द कॉलेज डीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारे पास शॉर्ट का चैप्टर नंबर 4 है, एंड ऑफ टर्म्स। इसमें तो आपके पास सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें ना ऑथर के पास छुट्टी की आग लगी होती है और वीकेंड की आग लगी होती है और खाने पीने का शौक होता है। इसके अलावा इस स्टोरी में और कुछ भी नया नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द स्पेंड हिज समर हॉलीडेज, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड ही डू विद द पॉकेट मनी। उस बेचारे के पास पैसे होंगे वो तो कुछ खाए पिएगा ना। ऑथर भी इसमें स्टोरी में वैसे गरीब गुरबा ही है। हम कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतने ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। लेसन नंबर 1 करना है, लेसन नंबर 3 करना है, लेसन नंबर 4 करना है, बस। इसके अलावा आपने नहीं करना। जिस जिसने किया मैं उन्हें लता पांडे ने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। व्हाट शॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स, व्हाई शुड बैड बुक्स डू बी डिस्ट्रॉयड, व्हाट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ देम। अगर मैं इसके आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन दिखा दूं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है कि सिर्फ लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5, इंशाल्लाह अल्लाह को कम से जो जो हम आपको बता रहे हैं, जो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इंशाल्लाह अल्लाह को कम से पेपर भी इसी क्वेश्चन में से आएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने जस्ट आपसे कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछने हैं। मैन हु वाज इन हॉस्पिटल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अगर किसी ने मिट्टी डालनी है तो मेरी तरफ से मिट्टी डाल के लेंटर डाल दे इसके ऊपर। इसके आप अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लेसन नंबर 7 है, माई फाइनेंशियल करियर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कंजूस आदमी होता है, जितने पैसे बैंक में बेचारा लेके जाता है जराबों में डालकर, उतने ही पैसे बेचारे से गलती से लिखे जाते हैं। तो जो एग्जाम वो होता है ना बैंकर, वो सारे उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि यार इसको ऐसा क्या है कि ना तो ये पैसे जमा करवा रहा है और ना ही निकलवाने की हिम्मत कर रहा है। तो वो कहता है कि भाई मैं आपके जो मैनेजर है उससे मिलना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 7 और 8। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने पास होना है ना और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपने लेसन नंबर 1, 3, 4, 5, 7 और 8 इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें कोई आपने डंडी नहीं मारनी, दिल लगाकर पढ़ना है। सिर्फ आपने अपने एग्जाम तक पढ़ने का छिला काट लें। जैसे कोई बच्चा बच्ची पैदा होता है ना, वो मदर क्या करती है 40 दिन का छिला काटती है ना अपने घर, तो आपने भी बच्चों एग्जाम में पास होने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, अपने माँ बाप का रोशन नाम करने के लिए, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अगर आपने कुछ करना है ना तो सेकेंड ईयर को आपने अच्छे तरीके से करना है। तो मैं आपको एक ये फाइनेंशियल की अगर बात करूं ना, तो हर घर में जो आपके पास कंजरखाना है ना वो कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, मैं आपको बता देता हूं। किसी भी घर में लोया लैलेंटीन डब्बा अगर बिक रहा हो तो समझ लो उसके घर में पैसे नहीं है, और जिसके घर में पैसे हैं उसके घर में लोया लैलेंटीन डब्बा इतना नहीं बिक रहा होता जितना जिनके घर में पैसे ना हो। तो आजकल के हर घर में सिर्फ एक ही रोना है कि यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चों को फुर्सत मिले टिकटॉक से तो वो अपनी स्टडी की तरफ आए ना। सिर्फ आपने छिला काटना एक महीने का, इंशाल्लाह आप देखना सेकंड ईयर में भी आप पास हो जाओगे, जिसकी फर्स्ट ईयर में भी सप्ली है वो भी पास हो जाएंगे, दिल लगाकर पढ़ते जाएं। हाई फाइनेंशियल करियर के अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर इसी में से जाएगा। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता भी देता हूँ, लास्ट ईयर जो हमने गेस्ट पेपर दिए थे अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6, आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाउ हैज अ साइंटिफिक मेथड अनेबल अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स, ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में से आया हुआ है। हाउ हैज अ साइंटिफिक मेथड अनेबल अस टू गेट ओवर ओल्ड फियर्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डाइजीज एटीट्यूड टू वर्ड्स द वीकेंड एज द स्कूल बॉय, ये चेक करें व्हाट डाइजीज एटीट्यूड टू वर्ड्स द वीकेंड एज द स्कूल बॉय। नेक्स्ट हमारे पास व्हाई वाज द ऑथर फीलिंग सॉरी फॉर द बुक्स आफ्टर डिस्ट्रॉइंग देम, ये हमारे पास बच्चों कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। व्हाई डिड द राइटर वांट टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स, व्हाई हैज द वर्ल्ड चेंज्ड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, फर्स्ट वाला ही है हमारे पास। व्हाई हैज द वर्ल्ड चेंज्ड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, व्हाट डज हंगर मींस ऑन द लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर, व्हाट डज हंगर मींस ऑन द लार्ज स्केल। अब देखिए हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, सिर्फ हमने 6 शॉर्ट
कंटेस्टेंट्स अटेम्प्ट करने थे, अटेम्प्ट कितने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको हमारे गेस्ट पेपर में से मिल जाएंगे। अगर आपको सेकंड ईयर गेस्ट पेपर ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024 चाहिए, जिसमें बच्चों आपके पास तर्जमतुल कुरान की न्यू बुक आई है, पाक स्टडी की न्यू बुक आई है, इंग्लिश के आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चंस बच्चों हमारे पास अवेलेबल है। फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, स्टैट्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 1000+ मार्क्स गेन करें, गारंटी है कि हमने जो जो बच्चों आपको गेस्ट पेपर दिए हैं अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आएगा। ये चेक करें, मैट्रिक एग्जाम 2023 में इकरा आबिद के मार्क्स आए 1004, आमना के मार्क्स आए, रोल नंबर भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर है 1035। एग्जाम 2023 में बच्चों दाऊद अली के मार्क्स आए हैं 1041, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाय 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 हाय, नंबर चेक करें, सिर्फ आप नंबर चेक करें, 1048 नंबर है एग्जाम 2023 में, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और सारे सब्जेक्ट में बच्चों A+ मार्क्स हैं। अगर आप एग्जाम 2024 में 1000+ मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है, इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए अभी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 12th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। इसके अलावा बच्चों अगर आपके फर्स्ट ईयर में सप्ली है, बायो में सप्ली है, केमिस्ट्री में सप्ली है, फिजिक्स में सप्ली है, इंग्लिश में सप्ली है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, किसी एक सब्जेक्ट में बच्चों आपकी सप्ली है ना, तो आपने हमारी वेबसाइट पर जाना है, जो जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आ रही हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टेक्ट करें, विद इन 2 डेज TCS वाले सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर बच्चों आपको आपके घर पहुंचा कर जाएंगे, जिससे आप इंशाल्लाह यू विल गेन 1000+ मार्क्स इन एग्जाम 2024। यहां पर बच्चों मैं अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, BCPM साइंस चैनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चूना लगाता है। मैंने 10th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 11th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 9th क्लास के बाय किए हैं, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के बाय किए हैं, ठीक है, मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बाय किए हैं 6000 रुपए के, ठीक है, तमाम के तमाम फेक ओल्ड बुक्स के गेस्ट पेपर हैं, जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया, मैंने आपको अभी प्रूफ दिखाया ना, पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। आप कोई भी स्टूडेंट जिस मर्जी चैनल से मंगवाओ, अगर आप BCPM साइंस चैनल से मंगवाते हो, उनको पहले कहो कि हमें MCQs भी प्रोवाइड करें, हमें MCQs भी प्रोवाइड करें, और आपके गेस्ट पेपर में से क्या क्या आया बोर्ड में, हमें उसका भी प्रूफ दिखाएं। अब हम बात करने लगे हैं, चुप कर कर, किसी को नहीं बताना, बस आप हैं और मैं हूं और आपके हाथ में जो मोबाइल है अब बस वो है। क्या है? चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट ईयर एट हैरो, हिक हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पाश्चर एंड मुस्तफा कमाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस जिसको जो जो मैंने स्टार लगाया ना, थोड़ी सी हिम्मत करके ना, थोड़ी सी मुशक्कत करके ना, अपने मोबाइल से अगर आपको टाइम मिल जाए ना, तो थोड़ा सा नजरे करम अपना बुक पे के ऊपर भी करें। सारा दिन आप मोबाइल के अंदर घुसे रहते हो, चुप करके ना, चिल्ला काटो और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन करो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि 11 वाला चैप्टर, 12 वाला चैप्टर और 15 वाला चैप्टर बस आप कर लो, फिर आप वेले हो। जितनी ज्यादा यार मेहनत करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी, जितनी कम मेहनत करोगे फिर आपकी सपलियां आपके मुकद्दर में है। बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि यार इश्क मशूकी के पीछे लागे करना अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है, किस्मत में पता नहीं है अभी के नहीं भी है, अपनी अपनी स्टडीज को तो अपना टाइम दो। कोई पागल किसे पीछे, असी पागल किसी होर के पीछे, सारे पागल अगे पीछे कट्ठे होए ने, किसी को मिलता कुछ भी नहीं है, बस एवं टाइम वेस्ट है। तो यार ज्यादा टाइम अपना अपनी स्टडीज पे दो, बजाय इसके कि आप अपने मोबाइल को दो। बस अब चुप करकर ना, चुप करकर आईज बंद करकर मुंह हाथ धोकर खाना पीना खाकर हीरो पहला नंबर करना शुरू कर दे। हेलो जी, अब पिद्दी से कितने सवाल है, 1, 2, 3, 4, 5, जस्ट जो मैंने लिखे हुए ना, व्हाट शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर, व्हाट गुड्स डिड ही 3 इयर्स स्टे एट हैरो, इन आफ्टर इयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड इन द गुड स्टीड। अब हम इनके कॉन्सेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चंस की बात करें ना, तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आंखें लगाकर देखें, आंखें झुकाकर देखें, आंखें बड़ी कर देखें, ग्लासेस साफ कर देखें, मुंह हाथ धोकर देखें, खाना खाकर देखें, खाने के बाद देखें,
चाय पीकर देखें, चाय से पहले देखें, बिस्किट खाकर देखें, रात को सोने से पहले देखें, उठने से पहले देखें। बस आपने ये 7 क्वेश्चन को लाजमी देखें। अगर जिसको ये 7 क्वेश्चन आते हैं आते हाथ सुटो, और जिसको नहीं आते फिर मैं उन्हें दे हाथ सुट रहा। चैप्टर नंबर 12 है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 आएंगे, हीरोज में से भी 2 आने हैं। याद रखें, हीरो जो पहला है उसमें से भी 2 सवाल आने हैं, सेकंड वाले हीरो में से भी 2 सवाल आने हैं। तो यार थोड़ी सी हिम्मत मार करना, ये सेकंड ईयर के जो सेकंड वाला हीरो है ना, बस ये करें, फिर आप मेरी तरफ से बिरयानी खाएं, चाय पिए, शादियों में जाएं, जहां मर्जी जाएं, लेकिन इसको करने के बाद ये ना हो कि आप हीरो को देखकर ही अपने घर से भाग जाएं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्चुअल टाइप्स के क्वेश्चन चाहिए तो आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। अगर आपको सेकंड ईयर गेस्ट पेपर, ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024 चाहिए, जिसमें बच्चों आपके पास तर्जमतुल कुरान की न्यू बुक है या पाक स्टडी की न्यू बुक है या इंग्लिश के, आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चंस बच्चों हमारे पास अवेलेबल है। फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, स्टैट्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 1000 प्लस मार्क्स गेन करें, गारंटी है कि हमने जो जो बच्चों आपको गेस्ट पेपर दिए हैं, अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आएगा। ये चेक करें, मैट्रिक एग्जाम 2023 में इकरा आबिद के मार्क्स आए 1004, आमना के मार्क्स आए, रोल नंबर भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर है 1035। एग्जाम 2023 में बच्चों दाऊद अली के मार्क्स आए हैं 1041, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाय 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 हाय, नंबर चेक करें, सिर्फ आप नंबर चेक करें, 1048 नंबर है एग्जाम 2023 में, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट में बच्चों ए प्लस मार्क्स हैं। अगर आप एग्जाम 2024 में 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है, इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए अभी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 12th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। इसके अलावा बच्चों अगर आपकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है, बायो में सप्ली है, केमिस्ट्री में सप्ली है, फिजिक्स में सप्ली है, इंग्लिश में सप्ली है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, किसी एक सब्जेक्ट में बच्चों आपकी सप्ली है ना, तो आपने हमारी वेबसाइट पर जाना है, जो जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आ रही हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कांटेक्ट करें, विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बच्चों आपको आपके घर पहुंचा कर जाएंगे, जिससे आप इंशाल्लाह यू विल गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। चैप्टर नंबर 13 है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर इसके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से जो जो मैंने सर्कल किए हैं बस आपने वही करने हैं। लुईस पाश्चर के आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। याद रखें, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में से एक एक क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास बच्चों कितने कितने आने हैं, दो दो आने हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अपना हीरो 1 कर लो, हीरो 3 कर लो, हीरो 2 कर लो, हीरो 5 कर लो, बस बाकी दोनों हीरो पे ना आपने मिट्टी डालनी है। लास्ट वाला हीरो है, व्हाई वाज मुस्वा कमाल सेंट टू अंटोलिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप अपनी सप्लियां क्लियर करना चाहते हैं और 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टेक्ट करें। सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाएं और इम्तिहान में 1000 जैसे हमने मैट्रिक में गेस्ट पेपर दिए थे, उसी तरह इंशाल्लाह इंटर में भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, जो जो हमारे गेस्ट पेपर में से जो जो आएगा इंशाल्लाह उसके बाद मैं वीडियो भी बनाऊंगा। चाहे आपका ग्रुप फर्स्ट है या आपका सेकंड ग्रुप है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हीरोज में से हमारे गेस्ट पेपर में से क्या क्या आया है। हीरोज को अगर मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था, अल्लाह के हुक्म से पूरे पूरे हीरोज के 6 क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो रहे हैं। सबसे पहले देखें, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिएबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम्ड गादिया। ये चेक करें, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिएबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम गादिया। व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स एंड व्हाट इज द एंटीसेप्टिक मेथड। व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स, व्हाट इज एंटीसेप्टिक मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोंटेनियस जनरेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोंटेनियस जनरेशंस। हाउ डिड पाश्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। हाउ डिड पाश्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्तफा कमाल विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ वुमेन।
Describe the reforms introduced by Mustafa Kemal with reference to the position of women. How did Churchill do his Latin paper? How did Churchill do in Latin paper? Give an account of the early life of Fleming. Give an account of the early life of Fleming. ये चेक करें हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, हमने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और हमसे हो कितने रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 क्वेश्चन हीरोज में से हमारे ही गेस्ट पेपर में से अटेम्प्ट हो रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गुड बाय मिस्टर चिप्स। याद रखें बच्चों इसके 18 टोटल चैप्टर हैं जिसमें से आपके पास बच्चों 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसके मार्क्स हैं 16। जो जो मैं आपको जिस चैप्टर का बस आपने इसके जो टोटल चैप्टर करने हैं ना 9 चैप्टर आपने पक्के पानी करने हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हु वाज मिस्टर चिप्स, व्हाई वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स, हु वाज डॉक्टर मैरीवेल, हु वाज वेदरबाय, हु वाज कोहली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, याद रखें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस चैप्टर नंबर 9 तक आपने ना यार देखो मिस्टर चिप्स तो करना पड़ना है। खुद ये बेचारा फोत हो गया सानू फोत करके छड़ेगा। बट जो जो मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बताए हुए ना इसको आपने अच्छे तरीके से कर लो। चैप्टर नंबर 2 के अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं व्हाट वाज द एकेडमिक स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिटायर। थोड़ा सा यार दिल पे पत्थर रखकर कर लो यार, ये मिस्टर चिप्स के नाव से हमारी पता नहीं कब जान छूटनी है। चैप्टर नंबर 3 है हाउ डिड चिप्स सर्व द बॉयज, हु वाज कोहलीवुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ ना आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है 18 के 18 चैप्टर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों वो आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। मिस्टर चिप्स के 1 to 18 सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप अपनी सप्लियां क्लियर करना चाहते हैं और 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टेक्ट करें। हमने बात कर ली शॉर्ट स्टोरीज की, हमने बात कर ली हीरोज की, हमने बात कर ली मिस्टर चिप्स की। याद रखें यार ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से करने हैं। अगर मेरी बात सुनो, अगर आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 6वां नहीं आता तो आपने यार कोशिश करनी है कि अटेम्प्ट करके आना पेपर। पेपर किसी भी सूरत में यार आपने खाली छोड़ के नहीं आना। अब हम बात करते हैं ऐसे की, यहां पर बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 11th और क्लास 12th की आपके पास न्यू बुक आई है। इसमें आपके पास बच्चों पैराग्राफ भी गिवन है और ऐसे भी गिवन है। अगर आपको याद हो या ना याद हो क्लास 10th में 3 आपके पास पैराग्राफ आते थे और 3 आपके पास ऐसे आते थे जिसमें से हमें च्वाइस मिलती थी, लेकिन इस दफा बच्चों आपके पास एक पैराग्राफ आएगा और 3 ऐसे आएंगे और ये आपकी च्वाइस होगी कि आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है। पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट है वो इंटरनेट है, अ विजिट टू अ ज़ू है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन है, माय फेवरेट पर्सनालिटी है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, यूजेस ऑफ साइंस है, व्हाई आई लव माय कंट्री है, अ जर्नी बाय ट्रेन है, हॉस्टल लाइफ है, वुमेन एम्पावरमेंट है एंड द लास्ट वन इज स्मोक है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े खुश होते हैं, उनको छुट्टियां मिल जाती हैं और वो मजे से अपने घर में बैठे होते हैं ताकि उनको पढ़ना ही ना पड़े। ऐसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमने ऐसे अपनी आपको गेस्ट पेपर में बताए हुए हैं ना इंशाल्लाह अल्लाह को कम से वही गेस्ट पेपर में जो हमने आपको ऐसे बताए हुए हैं 2 आने ऐसे। अगर आप अपने घर गेस्ट पेपर मंगवाना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टेक्ट करें। सारा कुछ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, पाक स्टडी की न्यू बुक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह को कम से पूरा पूरा पेपर भी हमारे गेस्ट पेपर में से आएगा। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, आपके पास ऐसे कौन सा आया, एंबिशन आया, हॉरर्स ऑफ वॉर आया, व्हाई स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया नेगेटिव एस्पेक्ट। अब देखें हमारे गेस्ट पेपर में से क्या क्या आया हुआ है। आय हाय 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 माई एम इन लाइफ, आपको हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे गेस्ट पेपर में से मैं आपको ऐसे बताऊंगा अल्लाह को कम से ऐसे वही आएगा और अल्लाह को कम से ऐसे आया भी है। अगर हम idioms की बात करें तो idioms को मैं आप सबको दिखा देता हूं। ये जो idioms हैं बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो idioms हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। इसके अलावा अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। लास्ट में बच्चों हम पैराग्राफ की बात करें जो आपके पास अनसीन आता था, कहीं से भी आ जाता था, लेकिन अब ये ग्रामर एंड कंपोजिशन की बरकत से बच्चों आपको जो है ना अनसीन नहीं आएगा। जैसे वो 10th क्लास में आपके पास उर्दू गिवन होती थी, इंग्लिश आपने याद करनी है, बिल्कुल इसी तरह बच्चों पैराग्राफ जो है ना वो आपके पास बने बनाए हैं, रेडीमेड है। अब काम आपके पास, अब आपने कुछ भी कुछ नहीं करना, सिर्फ रट्टा लगाना है। अगर आपको पैराग्राफ के भी गेस्ट पेपर चाहिए तो आपको हमारे गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। आपको याद है
कि 15 मार्क्स का आपके पास पैराग्राफ आना है। यार पैराग्राफ आए, ऐसे आए, इडियम्स आए, मेरे प्यारे बच्चों बस पेपर ना अपना पूरा करके आना, नहीं तो मैं तड़िया लता पा देनिया ने जिरा जिरा पेपर छड़ के आएगा। जो जो हमने ऐसे आपको बताया, इडियम्स आपको बताए हैं, पैराग्राफ आपको बताए, इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज है, हीरोज है, मिस्टर चिप्स है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं और पूरे दिलो जान से करने हैं। अगर आप भी 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो जो आपकी सप्ली है उसको भी आप क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला पेपर भी आपका अच्छा होगा, इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बस पेपर आपने किसी भी सूरत में ना खाली नहीं छोड़ के आना। बस आज से आप ये तहैया कर लें कि हमने बस पढ़ना है, पढ़ना है और दिलो जान से पढ़ना है। याद रखे जितना ज्यादा आप पढ़ोगे आज के घर की हर जरूरत आप पूरी कर सकते हो। उसके लिए बच्चों आपने जस्ट अपने मोबाइल की जान छोड़नी है, टिकटॉक की जान छोड़नी है, फेसबुक की जान छोड़नी है। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते इनसे जान छुड़ाते जाएं, थोड़ा सा टाइम अपने स्टडी को भी देते जाएं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।